चुनाव को लेकर श्रावस्ती की जनता क्या सोचती है, सुनिए उन्हीं की सुबानी। श्रावस्ती लोकसभा सीट की अगर बात करें तो श्रावस्ती लोकसभा सीट में जो चुनाव होना है 25 मई को होना है। लगातार लोगों में रुझान आ रहा है, लोग काफी उत्साहित है। एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है तो दूसरी तरफ लोगों का बेहद उत्साह देखा जा रहा है। श्रावस्ती की अगर बात की जाए तो 1997 में बहन मायावती ने इस जिले को अलग किया था और श्रावस्ती का सृजन किया था। बहराइच जिले से इसे काट कर बनाया गया था। श्रावस्ती लोकसभा नाम से सीट है जहां पर इस समय भाजपा से साकेत मिश्रा प्रत्याशी है, तो वहीं पर गठबंधन से राम श्रोमण वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है जो पूर्व में बीएसपी से सांसद थे यहां पर। इसके साथ साथ बहन जी ने अपना हाथी की सवारी करने के लिए मनिक खान उर्फ बद्दन भाई को चुना है। देखना यह होगा कि 25 मई को श्रावस्ती की जनता इन तीनों में से किसको अपना विश्वास जताती है और किसके सर पर जीत का सहरा लाती है। हम श्रावस्ती जनपद के इकौना में खड़े हैं जिसे बेहद हाट स्थान माना जाता है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। इंडिया न्यूज के जनता लाउडस्पीकर कार्यक्रम में आज सभी का स्वागत है। इनसे हम बात करेंगे कि इस बार इनके क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर ये वोट करेंगे और जो 25 मई होगा उस दिन सबसे पहले इनका क्या काम होगा। लगातार प्रशासन की तरफ से तथा अन्य लोगों की तरफ से जागरूक किया जा रहा है कि पहले मतदान करें, एक स्वच्छ सरकार चुने। अब लोगों की क्या राय है, लोगों क्या मुद्दे हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? रविशंकर यादव। रविशंकर जी, 25 तारीख को मतदान है, क्या मुद्दा होगा इस बार? बेरोजगारी होगी, महंगाई होगी, क्या मुद्दा है आप का? वोट डालेंगे। वोट डालेंगे तो किस मुद्दे को डालेंगे? जातिवाद को लेकर चलेंगे क्योंकि ये श्रावस्ती था, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भी कई बार किया गया है और अभी तक बाहर ही चलेगा। वोट डाला जाएगा, किस चीज को लेकर जाएगा ये इनके दिमाग में है, या तो दिल में है, दिमाग में है, अभी इनका पता नहीं है कि कहाँ वोट डालेंगे, लेकिन हाँ वोट डालेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सतीश यादव। सतीश जी, क्या हाल है यहाँ श्रावस्ती का? श्रावस्ती ठीक है। क्या होगा मुद्दा इस बार चुनाव? महंगाई, बेरोजगारी, यही सब मुद्दा है। आप युवा भी हैं, बेरोजगारी भी काफी हद तक होगी, तो इस पर क्या कहेंगे? इसी मुद्दे को देखते हुए चुनाव किया जाएगा। जैसा कि इनका भी साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर बेरोजगारी और महंगाई जो है वो मुद्दा इस बार बनाएगा। हमारे साथ यहाँ के एहसान है जो सभासद भी है, ऐसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे ये जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं उनके जो सांसद थे पिछले 5 सालों में, लगातार उन पर एक आरोप लगा है कि वो लापता सांसद के रूप में जाने जाते हैं, आज भी उनका वो मुद्दा बना हुआ है, इस बारे में क्या कहेंगे भैया? ये तो विरोधियों का एक प्रोपेगंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। 20 लाख मतदाता इस लोकसभा सीट पे है और हम एक छोटे से जनप्रतिनिधि है, हम अपने वार्ड में सारे लोगों से नहीं मिल पाते हैं। अब वो 20 लाख मतदाता है जिसमें 3 साल कोरोना काल के थे, जिसमें खुद गाइडलाइन और दिशा निर्देश सरकार की थी, उस हिसाब से आदमी को दूरी बनाना था। और विरोधियों का काम है कह देना कि भाई लापता सांसद है, इससे पहले भी जो सांसद थे वो कितने लोगों से मिले, कितने लोगों से नहीं मिले, उसका ये विषय का मुद्दा नहीं है। मुद्दा इस समय है जो चुनाव चल रहा है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई है, आज की डेट में हर आदमी परेशान है, किसान परेशान है, ये है मुद्दा आज की डेट में। ये लापता सांसद से नहीं मतलब है, मतलब है कि महंगाई पे लड़ाई लड़ी जा रही है और बेरोजगारी पे लड़ाई लड़ी जा रही है, पेपर लीक पे लड़ाई लड़ी जा रही है। इस तरह ये सरकार डबल इंजन की जो सरकार थी वो बिल्कुल फेल है इस समय, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्राउंड पे बिल्कुल इस समय माहौल बदला हुआ है। भाजपा के जो पदाधिकारी है, जो नेता है या जो मंत्री हाउस आ रहे हैं, वो लोग लगातार बता रहे हैं कि हमने काफी विकास किया पिछले 10 सालों 15 सालों में, हमारा काफी विकास हुआ है, और जबकि आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार फेल है, इस पर क्या? अब विकास के बारे में जिससे भाई, वो तो जुमलेबाज की सरकार है ही, उसमें तो कोई कहने की बात है ही नहीं भाई, दुनिया जान रहा है हर चीज जुमला होता है, चाहे जो भी कहा गया। विकास के मुद्दे पे आप ले लीजिए, आप इकोना छोड़ दीजिए, मार्केट में आप चले जाइए इकोना में, आप सड़क नहीं है, गड्ढा है। अब विकास की बात कर रहे हैं, ये मेन नगर पंचायत इकोना है, भ्रष्टाचार के ऊपर चढ़ा हुआ है भाई, डबल इंजन की सरकार है, ना रोड सही है, गांव में चले जाइए आप, ये कैलाशपुर से इधर रोड आज तक वो अभी तक नहीं बन पाया है। तो मुद्दे कहना उनकी बात अलग है, लेकिन सत्यता जो ग्राउंड पे है, विकास कहीं नाम का कोई नहीं, धराता तो कुछ और है, कहने को कुछ और है। लगातार लोगों के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे और लोग बात भी करेंगे। हमारे साथ सतीश जी है, यही क्या रहने वाले हैं, क्या समस्या है, इस बार क्या होगा, मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो हमारी सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट में आई हुई है, तब से हर तरफ विकास ही विकास नजर आ रहा है। विकास जैसे कि अभी कह रहे हैं कि रोड नहीं है, आप किधर भी जाइए, जहां चलने के लायक नहीं था आज बराबर लगातार 24
चौपैया जा रही है। और रही बात बड़े पंचायत तिरोना की, तो अभी तक तो हमारी सरकार ने जो हमारी यहां नगर, अब तो इस समय कांग्रेस का चेयरमैन है तो उसको भी तो करना चाहिए। हमारी सरकार पैसा भी दे रही है, नगर पंचायत के लिए नाले भी बन रहे हैं, तो फिर समस्या कहां से आ रही है? पूरा समस्या दिखाई, समस्या उनकी है, जैसे कहा कि बेरोजगारी है। 10 साल के पहले सब लोग कलेक्टर थे, 10 साल के पहले सब लोग कलेक्टर थे, अब जो है बहुत बेरोजगार हो गए, अब वो जो है बेरोजगार हो गए। इसके पहले वो सब कलेक्टर बने बैठे थे, वो कैंप बुलाते थे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये श्रावस्ती है यहाँ पर, यह बाढ़ प्रभावित एरिया भी है, नदी है, 3 महीना लगभग 30% आबादी जूझती है, लोगों के घर खेत जो होता है वो भी कट जाता है, लोग गांव गांव समाहित हो गए हैं, इस पर क्या होगा, ये इस मुद्दा क्यों नहीं उठाया जा रहा है? देखिए, जो बाढ़ की समस्या थी इससे पहले बहुत ज्यादा बाढ़ आती थी, लोग घर से निकल नहीं पाते थे, लेकिन सर सेंट्रल गवर्नमेंट माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी आए, उसकी समस्या का समाधान भी किए हैं, तमाम बंदे में धुआए जा रहे हैं, पहले से अब कितने बाढ़ के पानी से लोग नहीं जूझ रहे हैं उसका निदान किया है सरकार ने, और करने का प्रयास कर रही है, लगातार विकास हो रहा है। जी, भाजपा सरकार में लगातार विकास हो रहा है, अंगोछा है तो पहचान भी है, भाजपा के ही लोग हैं ये, लगातार विकास कर रहे हैं। अब और कुछ लोग यहाँ पर हैं हमारे साथ, बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर, ऐसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? मिश्रा। मिश्रा जी, क्या मुद्दे होंगे इस बार? बेरोजगारी महंगाई, बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा बनाएंगे। 25 तारीख को मतदान करना है, क्या कहेंगे? मतदान करेंगे, मुद्दा वही है बेरोजगारी महंगाई। अच्छा, एक श्रावस्ती है यहाँ पर, गौतम बुद्ध की स्थली में माना जाता है, माँ सीता के लोग बच्चे जो लोगों से उनकी जन्मस्थली में माना जाता है, इसको लेकर इसका क्या विकास हो सकता है जो ना हो पाया हो? विकास तो हुआ है लेकिन बेरोजगारी महंगाई ज्यादा, बेरोजगारी और महंगाई का जो मुद्दा आ रहा है। हमारे साथ एक और युवा है, वह क्या नाम है आपका? महेश। महेश जी, इस बार क्या मुद्दा होगा? महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है परिवर्तन, बिल्कुल परिवर्तन, टोटल परिवर्तन के मुद्दा है श्रावस्ती में। क्या परिवर्तन होने जा रहा है? बिल्कुल परिवर्तन होने जा रहा है। कहाँ जाएंगे आप लोग? अब परिवर्तन होकर रहेगा, बस इतना समझिए आप, परिवर्तन होना है। लगातार लोगों के अलग अलग राय हैं, लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं। हमारे साथ एक और अंकल जी है, इनसे हम जानेंगे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम ज्ञान प्रकाश शास्त्री है। शास्त्री जी, इस बार क्या मुद्दे होंगे? 2024 का चुनाव है, 25 मई को यहाँ पर मतदान है, केवल 1 हफ्ता बचा हुआ है। पहला तो ये है कि ये चुनाव जो है संविधान बचाने का है, देश बचाने का है, आने वाली पीढ़ी का बचाने का है। तो संविधान नहीं बचाया क्या? नहीं, संविधान के लिए खतरा पैदा हो गया है। संविधान में जो लिखी हुई बातें हैं वर्तमान सरकार उसको पूरा ना करके उसमें घाल मेल करने का, लोगों को जनता को कहने मतलब झूठा वादा या झूठा कहने मतलब परोसने का प्रयास कर रही है। एक झूठा सपना लोगों को परोसा जा रहा है, उसी वादे पर की काम किया जा रहा है। हाँ, 25 मई को मतदान है जी, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल होगा? परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, लगातार लोगों मुंह से निकल रहा है परिवर्तन होगा। अब देखना यह होगा कि श्रावस्ती में इस बार कौन सा परिवर्तन होता है जो इन लोगों की जो चाहत है वो पूरी हो सकती है। आपको बता दें, हिमालय की तलहटी में बसा हुआ जिला है, यहाँ पर गौतम बुद्ध की नगरी है, माँ सीता के बच्चे लोकुश का यहाँ पर जन्मस्थली है, और अगर बात करें तो इंडो नेपाल बॉर्डर भी पास में है। अब ऐसे में लोगों को लगातार विश्वास है कि श्रावस्ती का कुछ उद्धार हो, क्योंकि यहाँ पर अभी तक रेल की एक पटरी भी नहीं है, हवाई अड्डा जरूर दे दिया गया है, बस अड्डा नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? हवाई अड्डा मिल गया, बस अड्डा नहीं है। बस अड्डे का जहां तक सवाल है, आपने देखा होगा कि भिंगा में एक स्थान पर बस अड्डे की व्यवस्था की गई है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है और उसको देना चाहिए। हम लोगों को जो जनता है उनको और क्या चाहिए? केवल रोजी रोटी का कपड़ा मकान और रास्ता ही तो चाहिए जी। आम जनता को चाहे वो शिक्षित हो, उसको शिक्षित यदि है तो उसको रोजगार चाहिए, अशिक्षित है तो उसको भी रोजगार चाहिए। अगर मुर्गे का पंख चारों तरफ से काट दिया जाए तो उड़ नहीं सकता है। आज स्थिति यही हमारे पूरे देश की, पूरे भारत की हो गई है कि आम जनता के पंख को काट करके उसको एक निराश्रित बना दिया जा रहा है, उसके आगे आने वाले भविष्य को बर्बाद कर दिया जा रहा है। महंगाई, विकास, इसी मुद्दे को लेकर अब भी एक युवा है, हो सकता है छात्र भी हो, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अभी भाजपा के कुछ नेता लोगों ने बताया था कि
2014 से पहले सब लोग कलेक्टर बन रहे थे, 2015 इनको पहले उसको उसके बारे में पढ़ना चाहिए कि कितने परसेंट अभी बेरोजगारी और कितने परसेंट 14 से पहले बेरोजगारी थी, पहले उसको इनको देखना चाहिए। ऐसे हवा में कोई बात करने से मतलब नहीं है, पहले इनको बोलने का अधिकार सबको ऐसा बोलते हैं। नहीं तो जैसे मतलब वो बोल रहे हैं कि 2014 से पहले कलेक्टर थे, पहले उनको उठा के देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि 2014 से पहले कितना मतलब 2014 से पहले कितना मतलब बेरोजगारी थी और अब कितनी बेरोजगारी है, के हिसाब से बेरोजगारी बढ़ी है ना। बिल्कुल सर, सब लोग जानते हैं, सब लोग बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है, विकास के नाम पे, महंगाई के नाम पे सारी चीजें आप देख सकते हैं। हवा में बात करने से मतलब नहीं है, आप रोड देख लीजिए, नाला सड़क कितने कम से कम 6 महीने से पड़ा हुआ है, उसमें इस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो इस बार जो मुद्दा होगा विकास का परिवर्तन होगा, विकास का होगा, महंगाई का जी। अच्छा, क्या नाम है? मुन्ना जी, आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, कहना इस बार क्या है? सबसे छोटे महंगाई का, बेरोजगारी का। हाँ, और हमारे यहाँ जो है सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है कि जहाँ पे नाला खुल जाता है वो 6-6 साल भर ऐसे ही पड़ा रहता है। अच्छा, आप लोग व्यापारी भी है, उसके आगे आपकी दुकान भी है? हाँ, सब पड़ा रहता है ऐसे ही, उसमें जो है दिक्कत होती है, आज दिन जो है खतरा रहता है, कहीं बच्चे कुचल के मर जाते हैं बस से, कहीं खड़खड़े से, कहीं टेम्पो से, रोड डेली कोई शादी नहीं, बिजली मोटरसाइकिल से एक आध वारदात ना होती है जब से ये नाला खुदा है। कब से खुदा हुआ है? कम से कम हो गए 7 महीने। 7 महीने से नाला खुदा है, उसका काम नहीं निकाला है, जिसके चलते समस्या हो रही है। एक ना एक कोई ना कोई लड़का चोट न खाता हो, हाथ पैर ना टूटता हो। सबसे बुजुर्ग है ना? हाँ, सबसे बुजुर्ग। अच्छा, क्या मुद्दा होगा 25 तारीख का मुद्दा? हमें तो सबसे जरूरी है इकोना में अस्पताल, क्योंकि यहाँ पर अभी यहाँ चोट लग जाए तो अस्पताल में जाएंगे। अस्पताल नहीं है, सामुदायिक स्वास्थ्य अस्पताल है, लेकिन यहाँ डॉक्टर नहीं है। अदालत बनाने से क्या फायदा है जब वहाँ दवा नहीं हो रही है? स्वास्थ्य की सुविधा इनके लिए सबसे बड़ी समस्या बात है। श्रावस्ती के इकोना में रहते हैं, बता रहे हैं कि डॉक्टर रहते हैं, तब भी बच्चों को रिफर कर दिया जाता है या मरीज को रिफर कर दिया जाता है, उससे भैया भेजा जाता है। अब हवाई अड्डा उन्होंने बना दिया, मूलभूत जो समस्याएं हैं उसको ना बना करके बताइए, यहाँ सबसे जरूरत है बस डिपो, रोडवेज, संसाधन। रात के 8 बजे के बाद आपको बहराइच बलरामपुर जाने के लिए कोई संसाधन इकोना से नहीं है। 10 साल एक सरकार को देने के लिए पर्याप्त होता है, और आज शाम 7 बज जाए उसके बाद आदमी न बहराइच जा सकता है न बलरामपुर जा सकता है। हम लोग याद है तो बहराइच छोड़ के फिर इकोना ना इकोना आ सकते हैं, न इकोना से हम जा सकते हैं, ये कंडीशन सबसे ज्यादा है। हवाई अड्डा बना दिया उसका, जानते कि मैं यहाँ से लखनऊ का किराया है 5,500 रुपए है किराया, दूरी कितनी है? दूरी मात्र 160 किलोमीटर यहाँ से है। बिल्कुल, अब जैसे जो सपना दिखाया गया था कि हवाई जहाज में चप्पल वाला भी सफर करेगा, तो चप्पल वाला तो हमको नहीं लग रहा है कि वो सफर कर सकता है, जिसका जिसका किराया 5,500 रुपए हो इकोना से लखनऊ का, बस का किराया 200 रुपए, 250 रुपए भाई, अगर आप एसी में जा रहे हो तो 350 रुपए, तो वो तो आदमी एक एफोर्ड कर सकता है, वो आदमी वहन कर सकता है। लेकिन अगर भाई दिखाने के लिए कि हवाई अड्डा बना दिया गया, तो हवाई अड्डे से तो विकास में हमारा नहीं है, ये गाजी गौतम की सरजमी है, लौकुश की जन्मस्थली है, हम हमारा ये जो जिला है ये पूरी दुनिया के मानचित्र में है, और इस मानचित्र के बाद हमारे यहाँ की मूलभूत संसाधन नहीं है, न हमारे पास यहाँ बस का संसाधन है, न रेलवे का। सरकार 10 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि बिल्कुल हो गया काम, हो गया रेलवे स्टेशन, रेल पट्टी बिछ रही है, कहाँ है भाई? ये तो सब जुमलेबाज वालों की सरकार है, जुमलेबाजी ये लोग करते हैं, 10 साल से यही करते हुए आ रहे हैं। मतलब यहाँ की जो जनता है वो लगातार यातायात से प्रभावित है, लोगों को आने जाने की सुविधा नहीं है, चाहे वो ट्रेन की बात हो या रोडवेज की बात हो या बस की बात हो या सड़क की बात हो, आने जाने में लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ये मुद्दे भी उसके सामने आए हैं। राजकुमार यादव के साथ मिथिलेश पाठक, इंडिया न्यूज़, स्वास्थ्य।